इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैलाश गहलोत, 12 बजे शामिल हो सकते हैं। देखिए, कल ही आपको बता रहे थे कि आपसे इस्तीफा दिया गया था, मंत्री पद यहाँ तक कि पार्टी भी छोड़ दी गई थी और एक प्रॉपर लेटर सौंपा गया था साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को, उनकी गलतियां खामियां गिनाई गई थी। और देखिए, जो कहा जा रहा था वैसा ही हुआ कि क्या कैलाश गहलोत बीजेपी का दामन थामेंगे। तो देखिए, अब जो खबर छन की आ रही है वो ये कि बीजेपी में 12 बजे शामिल हो जाएंगे कैलाश गहलोत। तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 महीने के बाद यानी कि नए साल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया है, सेंधबाजी की जा रही है और सेंधमारी करके तमाम नेताओं को तोड़ा जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, कैलाश गहलोत अब बीजेपी का दामन लगभग 12 बजे आज थाम लेंगे। देखिए, बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, चूंकि किस तरीके से कैलाश गहलोत, जो कि कुछ वक्त पहले अपने आप को हनुमान जी कहा करते थे, जी हाँ, वो अपने आप को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताया करते थे और किनारा एकदम से किया, किनारा कुछ ऐसा किया कि जिससे पूरी पार्टी सख्ते में आ गई। एक एक गलतियां गिनाई गई कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से जूझती रहती है, अपने वादे पूरे नहीं किए, वादा खिलाफी की गई। इसके अलावा शीश महल का मुद्दा उठाया कि करोड़ों करोड़ रुपए जनता के बर्बाद कर दिए गए। यमुना को लेकर कहा गया कि आप स्वच्छ करेंगे लेकिन ढक के 3 पात रहा। तमाम ये बड़े आरोप लगाए थे कैलाश गहलोत ने। ये पूरा का पूरा फर्रा यूं कह सकते हैं वो अरविंद केजरीवाल को सौंपा गया था और सवाल यही खड़े हुए कि आखिरकार पार्टी तो छोड़ रहे हैं लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के क्या मायने हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें, चाहे शराब नीति घोटाला हो, उसमें पूछताछ भी ईडी की ओर से करी गई है और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि डराया धमकाया गया है कैलाश गहलोत को और उनसे इस्तीफे के लिए कहा गया, ये बीजेपी की ही करनी है। हालांकि अब देखिए, आपको साफ हो जाएगा 12 बजे कैलाश गहलोत शामिल होंगे बीजेपी में। लड़की बहन माझी, लाड़का युवा, सगळ्यां पुढे अपुला, शीत करी हवा।